ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। क्या नाम, उसके लिए समिति का गठन हुआ है। अब जिस सरकार को चाहिए था कि जो वादे उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहे थे, उन वादों पर बात होनी चाहिए थी कि पहली कैबिनेट में कि महंगाई कैसे कम होगी, उस पर कोई बात नहीं, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, उस पर कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए जो सरकार थकती नहीं तो लोकायुक्त कब आएगा उसकी बात नहीं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त है उसकी बात नहीं, विकास को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे उसकी कोई बात नहीं, भू कानून को लेकर के कोई बात नहीं, प्राधिकरण को लेकर के कोई बात नहीं, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, एक दिन वहाँ से राजधानी संचालित नहीं हुई, इन पर तो सरकार मौन है। और जो सिविल कोर्ट का मामला उन्होंने उठाया तो ये भाजपा के चाल चरित्र को दर्शाता है कि चुनाव में कभी भी वो जनता से किए गए वादों पर जो है चुनाव मैदान में नहीं जाती है, हमेशा जो है सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की बात, ध्रुवीकरण करने की बात, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जाती है। अब जो सरकार इन चीज़ों को लेकर के आम जन के बीच में जाएगी तो उसे यही अपेक्षा की जा सकती है कि वो इसी तरीके की बात आगे भी करते रहेंगे। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।